हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। आज हम नीट 2021 का जो फिज़िक्स का पेपर था उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, एंड साथ साथ में हम ये भी देखते चलेंगे कि वो जो क्वेश्चन है उसके जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है उसके अराउंड जो कॉन्सेप्ट है और उसका एनसीईआरटी से रिलेशन क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। इसमें ये हमारे पास जो पेपर है वो कोड M2 है। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन AC सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट एज शोन इन फिगर। देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L, C एंड R इज 40 वोल्ट, 10 वोल्ट एंड 40 वोल्ट, इस तरह से है। तो हमारे पास ये एक LCR सर्किट है, ये L है इंडक्टर एंड देन कैपेसिटर एंड देन रजिस्टर है और ये हमारा AC सोर्स है, एंड इसके अक्रॉस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमें दे रखा है 40 वोल्ट और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमें दे रखा है 10 वोल्ट एंड रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज ऑल्सो 40 वोल्ट। तो हमसे पूछ रहे हैं द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू LCR सीरीज सर्किट इज 10√2 एम्पियर। तो इसमें जो करंट है उसकी पीक वैल्यू हमें दे रखा है 10√2 एम्पियर पीक वैल्यू। ओके, द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज, सो इम्पिडेंस हमें कैलकुलेट करना है। अब हम यहाँ पर इम्पिडेंस कैसे निकाल सकते हैं, हमें एक रिलेशन मालूम है V इज इक्वल टू IZ, ये चीज़ है। तो यहाँ से हम इम्पिडेंस निकाल सकते हैं Z इज इक्वल टू V/I, जहाँ पे V क्या है, RMS वोल्टेज है सर्किट का और I RMS करंट है। अब ये पीक करंट है, इससे हम RMS करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यू नो I RMS इज इक्वल टू पीक करंट डिवाइडेड बाई √2। सो इसको √2 से डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स 10 एम्पियर इज द RMS करंट। फर्दर जो टोटल वोल्टेज इस पर ड्रॉप हो रहा है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही इस क्वेश्चन का मेन पार्ट भी है। इसमें आपको मालूम होना चाहिए DC सर्किट और AC सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप एलिमेंट्स पर डिफरेंट तरह से होते हैं। DC सर्किट अगर ये होता तो सारे वोल्टेज हम सीधा ऐड कर देते, बट यहाँ पर AC सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं। That means इस कॉम्बिनेशन पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हो जाएगा 40 − 10, दैट इज 30 वोल्ट। एंड देन फिर इस कॉम्बिनेशन पर जो वोल्टेज ड्रॉप है और रजिस्टर पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं, उनके बीच में फेज एंगल 90 डिग्री होता है। दैट मीन्स कि पूरा जो कॉम्बिनेशन है LCR का उस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो LC कॉम्बिनेशन पे जो वोल्टेज है उसका स्क्वायर प्लस R पे जो वोल्टेज है उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है। फेजर्स वेक्टर्स की तरह से हम इसको लेंगे। सो दिस VLC इज 30 स्क्वायर इज 900 प्लस 40 स्क्वायर दैट इज 1600, 900 प्लस 1600 इज 2500 एंड √2500 इज 50। ओके, सो दिस इज 50 वोल्ट। सो टोटल RMS वोल्टेज ड्रॉ इन द LCR सर्किट इज 50 वोल्ट। नाउ यू कैन ईजिली कैलकुलेट द इम्पीडेंस। सो इम्पीडेंस वुड बी दिस इज 50 माइनस द RMS करंट विच इज 10 एम्पियर, सो दिस इज 5 ओम इम्पीडेंस, ये हुआ हमारा। तो ये क्वेश्चन, इसमें दो चीज़ें आपसे पूछी जा रही थी, जो मेजर पार्ट था वो ये था कि वोल्टेज ड्रॉप्स जो होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स पर AC सर्किट में उनका आइडिया आपको होना चाहिए, वो DC की तरह से कंबाइन नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ कि पीक करंट हमें दे रखी है तो वहाँ से हम RMS करंट कैसे निकालेंगे, एंड फाइनली वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। सो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। सो इसके हिसाब से जो ऑप्शन है उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो हमें ये लाइट रे दे रखी है, ये प्रिज्म है और लाइट रे इस तरह से इस इंटरफेस पर 90 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट हो रही है। तो 90 डिग्री एंगल पर अगर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो वो खुद ही नॉर्मल के अलोंग है। सो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0 डिग्री, तो ये लाइट रे फिर अनडेविएटेड पास होगी एंड इस इंटरफेस पर अब इसका डेविएशन होगा।
सो इस इंटरफेस पे जो नॉर्मल होगा वो इस तरह से हो जाएगा, लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, सो वो नॉर्मल से अवे बेंड होगी। तो हमें यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये ही कैलकुलेट करना है। ओके, अब इसमें हमें प्रिज्म में ये वाला एंगल 60 डिग्री दे रखा है, ये 90 डिग्री है, सो दिस वुड बिकम 30 डिग्री, एंड ये अगेन 90 डिग्री है, सो ये हो जाएगा 60, तो फिर ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। अब बहुत आसानी से हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R। नाउ N1 जिस, अब ये आसान होता है, जिसमें ये एंगल है उसी में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो N1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √3, एंड I की वैल्यू यहाँ पर है साइन 30 विच इज़ 1/2, एंड N2 एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, एंड साइन R दैट इज साइन E हो जाएगा। सो ओके, सो ये जो वैल्यू आ रही है साइन E इज इक्वल टू √3/2, दैट मीन्स E इज इक्वल टू 60 डिग्री, यही हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस। सो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन, इन विच डायरेक्शन विल इट मूव। सो हमें यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है वो इस तरह से दे रखी है। अब इस फील्ड लाइन को देख के लग रहा है कि ये जो फील्ड है वो रेडियल है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, इस तरह की फील्ड है। और यहाँ पर जो डाइपोल रखा है, इस तरफ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, दैट मीन्स कि डाइपोल मूवमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब यहाँ पर ऑप्शंस में एनर्जी के बेसिस पर दे रखा है, वैसे भी हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अगर हमारा पॉइंट सोर्स है, रेडियल फील्ड है, तो पॉइंट सोर्स से अवे जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी वीक होगी कंपैरेटिवली। सो ये वाला जो फोर्स होगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स होगा फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा वो फील्ड के ऑपोजिट होगा, से दिस इज F1 एंड दिस इज F2, सो डेफिनेटली F1 फोर्स जो है वो F2 से बड़ा है, इसीलिए ये जो डाइपोल है ये राइट साइड में मूव करेगा, दैट मीन्स टूवर्ड्स या अलोंग द फील्ड लाइन्स। ठीक, तो उस हिसाब से ऑप्शन अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 2, इट मूव्स टूवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं कि एनर्जी के बेसिस पे क्या होगा। वी नो डाइपोल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसकी जो एनर्जी होती है उसको हम लिखते हैं माइनस पी डॉट ई, एंड यू कैन सी यहाँ पर जो डाइपोल मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये चीज़ हो जाएगी, यहाँ पर एंगल 180 डिग्री है, सो इट विल बी प्लस PE, एंड देन इसका अगर हम रेट निकालें DU/DR या ग्रेडियंट हम निकालें पोटेंशियल एनर्जी का, सो सिंस P इज कॉन्स्टेंट इट इज सिंपली DE/DR, ये हो जाएगा। अब DE/DR क्या है, DE/DR नेगेटिव है, एज यू मूव अलोंग द फील्ड लाइन द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इज डिक्रीजिंग, सो दिस इज नेगेटिव, दैट मीन्स DU/DR इज ऑल्सो नेगेटिव। सो फील्ड की डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी इस डाइपोल के। सो उस बेसिस पर भी डाइपोल जब राइट साइड में मूव करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। फर्दर यहाँ से अगर हमें फोर्स निकालना हो तो फोर्स इज इक्वल टू -DU/DR, ये भी हम लिख सकते हैं, सो -P × DE/DR ये हो जाएगा, दैट मीन्स जो फोर्स है वो पी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, डाइपोल मूवमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में, एंड देन फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज वी गिवन बाय वी इज इक्वल टू V0 sin ωt। तो एसी वोल्टेज जो साइनोसाइडल है वो हमें दे रखा है, द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वुड देन बी गिवन बाय। नाउ यू नो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या चीज़ होती है, अगर कोई वेरिएबल सोर्स लगा हुआ है तो कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हो पा रहा है, या कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा है तो उसकी प्लेट्स पर जो चार्ज टाइम के साथ वेरी कर रहा है दैट इज रिफर्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। सो डिस्प्लेसमेंट करंट वुड बी नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, एंड
किसी भी टाइम पर कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो चार्ज होगा उसको हम लिख सकते हैं C टाइम्स V, एंड V यहाँ पर दिया हुआ है हमें V नॉट साइन ओमेगा टी वेरिंग विथ टाइम. सो डिस्प्लेसमेंट करंट वुड बी dQ by dt, दैट मीन्स इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में d dt एंड साइन ओमेगा टी. अब इसका डिफ्रेंशिएशन हम कैसे करेंगे, चेन रूल या इनसाइड आउटसाइड जो भी रूल आप लगा सकते हो. ये t का कोफिशियंट है कांस्टेंट, ये जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, ओमेगा c v नॉट हो जाएगा और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा. ओके, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट एट एनी टाइम, द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट. सो इस हिसाब से अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 1 वी नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन हमारा है, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है और ये एनसीईआरटी बुक का आपका क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल है मैग्नेटिज्म सॉरी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से. देखिए क्या दिया हुआ है, अ थिक करंट कैरिंग अ थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरीज अ करंट आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन. द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द केबल विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द केबल इज रिप्रेजेंटेड बाय. तो इस तरह का एक हमें केबल दे रखा है और इससे जो करंट पास हो रही है वो उसके पूरे क्रॉस सेक्शन पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. देन इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होगा अलोंग विद द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ से लेनी है, इस सिलेंडर के एक्सिस से लेनी है, उसी को हमें प्लॉट करना, उसका ग्राफ क्या आएगा ये हमें बताना है. तो इसमें हम दो जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, एक आउटसाइड द वायर या आउटसाइड द केबल निकालेंगे और एक इनसाइड द केबल निकालेंगे. तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई तरह के क्वेश्चंस दो तीन तरह के इस पर फ्रेज किए जाते हैं. सो अगर हमें आउटसाइड निकालना है, सपोज़ ये आई करंट टोटल केबल के थ्रू पास हो रही है एंड ये कोई पॉइंट है स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक्सिस से, उस पॉइंट पर हमें फील्ड चाहिए. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एम्पीरियल लूप बनाएंगे उस पॉइंट से पास होता हुआ, एंड ये एम्पीरियल लूप सिमेट्रिक है, केबल भी सिलेंड्रिकल शेप का है, तो उसकी वजह से जो एम्पियर सर्किटल लॉ है इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ई. अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और डी एल, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो एम्पीरियल लूप के हर पॉइंट पर टेंजेंशियल होगी, सो डी एल के साथ उसका जो एंगल है वो हर पॉइंट पर जीरो है. फर्दर एम्पीरियल लूप जो है वो एक्सिस से हर पॉइंट पर सेम डिस्टेंस पर है, ये जो केबल है उसके साथ वो सिमेट्रिक है, हाईली सिमेट्रिक है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पर सेम होगी. सो यहाँ से हम इस बी को बाहर ले सकते हैं एंड देन जब हम डी एल को इंटीग्रेट करेंगे, लेट्स राइट इट हियर, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, एंड यहाँ पर जो हमने एम्पीरियल लूप लिया है उससे पूरी केबल की करंट उसके थ्रू पास हो रही है, सो दिस वुड बी होल करंट. नाउ इंटीग्रेशन डी एल इज सिंपली द समेशन ऑफ ऑल सच डी एल, एंड वो हमें क्या देगा, इस एम्पीरियल लूप का पैरीमीटर देगा. सो b into 2 pi r is equal to mu naught I. So यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो है mu naught I upon 2 pi r. एंड r यहाँ पर वेरिएबल है, सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अगर हम केबल के बाहर किसी पॉइंट पे देख रहे हैं. नेक्स्ट, अगर केबल के अंदर किसी पॉइंट पर हमें देखना है, से ये है पॉइंट, सो फिर से वही हमें करना है, यहाँ से पास होता हुआ उस पॉइंट से पास होता हुआ एक एम्पीरियल लूप बनाएंगे विच इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस या विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन या क्रॉस सेक्शन ऑफ द केबल. अब यहाँ से हमें क्या करना है कि कितनी करंट पास हो रही वो निकालना है. ये पूरा क्रॉस सेक्शन नहीं है, उससे कुछ कम है, सो डेफिनेटली कुछ कम करंट पास हो रही होगी, वो हमें पहले कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पर हम पहले ये पता करेंगे क्योंकि जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर द क्रॉस सेक्शन, दैट मींस करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो केबल है उसकी रेडियस हमें आर दे रखी है, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया आई अपॉन पाई आर स्क्वायर है, एंड देन हमने जो एम्पीरियल लूप बना है वो कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्रैप कर रहा है, दैट इज सिंपली पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसकी डिस्टेंस यहाँ से या रेडियस स्मॉल आर ले लेते हैं. तो ये हो जाएगी वो करंट जो एम्पीरियल लूप के अंदर से पास हो रही है, सो दिस कम्स आउट टू बी आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर.
Now we can use the Ampere's loop in this in the same manner जैसे हमने पहले किया था using Ampere's circuital law B dot TL is equal to mu naught IE. Again magnetic field हर point पर Ampere's loop के हर point पर tangential है and Ampere's loop is so symmetric that magnetic field will be same at all the points. So magnetic field ये हमने बाहर ले लिया and DL को हम integrate करेंगे so again हमें क्या मिलेगा the perimeter of the Ampere's loop that is 2 pi small r, this is equal to mu naught IE, which we have calculated I r square upon capital R square. तो यहाँ से अगर आप calculate करें, so हमें क्या मिल रहा है, एक r यहाँ से cancel होगा, so ultimately हमें relationship देखनी है, small r के साथ क्या आएगी, so small r के साथ जो relationship आ रही है, वो इस वाली situation में directly proportional to r आ रही है. That means, axis से cylindrical या cable के surface तक मैग्नेटिक फील्ड आर के साथ या डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड देन जब हम बाहर चले जाते हैं तो फिर वो आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंड इसी चीज़ को अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इसका तो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा. इस तरह का ग्राफ कई सारे और भी केसेस में आता है कि सरफेस तक दैट मीन्स आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है एंड देन उसके बाद वो इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है. तो ये हमारा ग्राफ होगा जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो कहाँ पर मैक्सिमम होगी इट विल बी एट द सर्फेस ऑफ द केबल. एंड इसमें अब कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी दैट वुड बी जीरो यू कैन सी एंड दो ऐसे पॉइंट्स हैं एक अंदर और एक बाहर. एक पॉइंट यहाँ पर हम ले सकते हैं दूसरा पॉइंट यहाँ कहीं ले सकते हैं जिसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है सेम है. तो ऐसा भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि बाहर एक ऐसा पॉइंट और अंदर एक ऐसा पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है या फिर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक्सिस से आर डिस्टेंस पर और फिर उसकी डबल डिस्टेंस पर कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड उसका रेशियो कैलकुलेट करना है. तो कई सारे क्वेश्चन ये फ्रेस किए जाते हैं इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा. ये एनसीईआरटी जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एम्पियर सर्किटल लॉ जो टॉपिक है उसमें ये सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा. कई बार इसमें से इस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं. अगला क्वेश्चन हमारा है अ कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड अ कॉन्केव लेंस बी ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आर केप्ट अलॉन्ग द सेम एक्सिस विद अ डिस्टेंस स्मॉल डी बिटवीन देम इफ अ पैरेलल बीम. तो इसको हम डायग्राम बनाते हैं. कॉन्वेक्स लेंस है एंड उसी के साथ साथ एक कॉन्केव लेंस भी रखा हुआ है और इनके बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस है डी एंड जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखा है और जो कॉन्केव लेंस है उसकी लेंथ उसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर दे रखा है एंड देन हमसे कह रहे हैं कि इफ़ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट Falling on A leaves B as parallel beam. तो parallel principal axis की parallel जो beam या ray आ रही है वो finally concave lens से भी जब निकल रही है तो वो principal axis के parallel है. तो यहाँ पर ये G की value या इनके बीच की distance क्या होगी वो हमें बताना है. अब चूंकि ये parallel है principal axis के parallel है तो इससे refraction के बाद वो focus पर convex के focus पर कन्वर्ज होगी. सो अब ये रे रिफ्रैक्ट होने के बाद इसके फोकस पर पहुंच रही है लेकिन इससे निकलने के बाद उसको फिर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाना है. दैट मींस कि इस कॉन्केव लेंस पर जो रे इंसिडेंट हो रही है वो उसके फोकस पर आ रही कॉन्केव के फोकस पर आ रही बिकॉज यू नो कॉन्केव के सॉरी नॉट लाइक दिस. अगर कोई लाइट रे इस तरह से आ रही है जो लेंस ना होता तो वो फोकस पर पहुंचती देन वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. तो यहाँ पर जो लाइट रे आ रही है दैट मस्ट बी गोइंग टू द फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस. सो रिफ्रैक्शन के बाद अगर ये रे इस तरह से जा रही है सो आगे जाके इसको कॉन्केव के फोकस पर इंसिडेंट होना था कॉन्केव के फोकस पर कन्वर्ज होना था बट बीच में कॉन्केव लेंस है तो ये क्या कर रहा है इस रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दे रहा है. ओके सो अब इसका मतलब कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ है दैट इज 20 सेंटीमीटर
और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कॉनकेव की फोकल लेंथ है, दैट इज 5 सेंटीमीटर. सो दिस डिस्टेंस दैट इज बिटवीन द लेंसेज ये कितनी हो जाएगी, 20 माइनस 5. सो डी इज इक्वल टू सिंपली 20 माइनस 5, दैट इज 15 सेंटीमीटर. सो ये हो जाएगा हमारा आंसर. तो यहां पर आपको ये समझ में आनी चाहिए बात कि रे ऑप्टिक्स में वो हो सकता हो आपके सिलेबस में इमेज फॉर्मेशन वगैरह बुक्स में या जो टेक्स्ट बुक है उसमें अलग से मेंशन ना किया हो, लेकिन जितना अच्छा आपको इमेज फॉर्मेशन आता है रे डायग्राम बना के, उतनी आसानी से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन हमारा है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेंसिटिव सर्फेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन. तो यहाँ पर वर्क फंक्शन अगर नेग्लिजिबल है तो फिर सारी की सारी जो एनर्जी होगी फोटोन की वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र हो जाएगी. जब वो बाहर आएगा तो उसकी एनर्जी फोटोन की एनर्जी के बराबर होगी. दैट मीन्स वी कैन राइट एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन. तो उसको हम लिख सकते हैं मोमेंटम के टर्म में पी स्क्वायर बाई 2m. ओके, देन इफ एम इज द मास ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द सर्फेस has डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैमडा डी, देन तो जो इलेक्ट्रॉन सर्फेस से बाहर आ रहा है उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम कैसे लिखते हैं, एच अपॉन मोमेंटम, ये होती है डी ब्रॉगली वेवलेंथ. तो यहां से पी जो मोमेंटम है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एच ओवर लैमडा डी, ये लिख सकते हैं. तो फिर इस पी की वैल्यू उठा के यहां अगर हम पुट कर दें तो एच सी अपॉन लैमडा इज इक्वल टू पी स्क्वायर, दैट मीन्स एच स्क्वायर ओवर लैमडा डी स्क्वायर एंड देन 2m, ये हो जाएगा. सो एक एच यहाँ से कैंसिल हो गया तो फिर ये जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ है दैट विल बी इक्वल टू 2mc डिवाइडेड बाय h इनटू लैमडा डी स्क्वायर. सो ये रिलेशन पूछा था डी ब्रॉगली वेवलेंथ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बीच में. सो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर था. सो आज के लिए यहाँ तक. अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच, सी यू सून.